दिगरा शहर के आर्नी बाईपास रोड पर प्रवासी निवारा नहीं होने से बस यात्रियों और विद्यार्थियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पेश है दिगरा संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। शहर के आर्नी बाईपास रोड पर एसटी बसों का इंतजार कर रहे बस यात्रियों को राज्य महामार्ग प्रशासन की अनदेखी की कीमत चिलचिलाती धूप में खड़े होकर चुकानी पड़ रही है। बसों के इंतजार में न सिर्फ बस यात्रियों को बल्कि ग्रामीण इलाकों के स्कूली विद्यार्थियों को भी प्रवासी निवारा के अभाव से जूझना पड़ रहा है। आर्नी दिगरस महामार्ग के इस स्टॉप पर महामंडल की एसटी बसें यात्रियों के लिए रुकती है। रोजाना बड़ी संख्या में यहां से यात्री और स्कूली विद्यार्थी बसों में चढ़ते उतरते हैं, लेकिन राज्य महामार्ग ने यहां प्रवासी निवारा बनाने की जहमत नहीं उठाई और न ही इसके लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं। ये आर्नी बाईपास है, आर्नी महामार्ग है, यहां पे पैसेंजर बहुत है, स्कूल के बच्चे हैं, यहां एक प्रवासी निवारा की जरूरत है अर्जेंट। ये राज्य महामार्ग है, राज्य महामार्ग से प्रवासियों को बहुत तकलीफ होती है। इसमें जगह यहाँ सब खड़े रहते धूप में, चिलचिलाती धूप में, तो बहुत तकलीफ होती है। निवारे की सख्त जरूरत है यहाँ पर, और यहाँ पर निवारा नहीं है। इन्होंने रोड बना के रख दिए मगर आगे निवारे की कुछ ये किए नहीं। निवारे की जरूरत है यहाँ पे, चाहिए। देखिए यहाँ पर रोड पर ही लोग खड़े रहते हैं यहाँ पर। हालांकि आमदार निधि, खासदार निधि यानी विधायक और सांसद निधि से प्रवासी निवारा निर्माण का विकल्प भी मौजूद है, लेकिन अब तक न तो कोई विधायक और न ही कोई सांसद ने इस कार्य में किसी तरह की कोई रुचि दिखाई है। राज्य महामार्ग प्रशासन तो पहले ही आंखें मूंद कर बैठ चुका है। जानकारों के मुताबिक शहर में जहां जहां प्रवासी निवारों की जरूरत है, उसके लिए स्थानीय पालिका प्रशासन और B&C यानी सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग भी इस कार्य को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अफसोस की बात है कि किसी भी विभाग ने इस मुद्दे पर अब तक कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। वैसे भी शहर में प्रवासी निवारे का अभाव न सिर्फ आर्नी दिगरस बाईपास रोड पर है, बल्कि मानोरा चौक से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, जूना बस स्टैंड, पुराना पेट्रोल पंप, इन जगहों पर भी कहीं भी कोई अधिकृत प्रवासी निवारा नहीं है। बस यात्रियों और स्कूली विद्यार्थियों को संबंधित विभागों के साथ ही आमदार, खासदार ने भी भगवान भरोसे छोड़ दिया है। उनका सारा ध्यान आगामी विधानसभा चुनाव पर केंद्रित हो चुका है, इसलिए इधर बस यात्री या बस पकड़ने वाले ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियों पर चिलचिलाती धूप में खड़े रहने या धुआंधार बारिश में भीगने की नौबत भी आन पड़े तो उन्हें कोई परवाह नहीं, क्योंकि फिलहाल चुनावी आश्वासनों से लैस राजनीतिक बस तेज रफ्तार से विधानसभा के मार्ग पर निकल पड़ी है। अफसोस इस बात का है कि इस मार्ग पर समस्याओं का समाधान का स्टॉप नहीं बल्कि चुनावी आश्वासनों की खैरात बांटने का स्टॉप आता है, और यही चुनावी स्टॉप आमदार खासदारों के लिए आम यात्रियों की प्रवासी निवारा निर्माण की मांग से कई गुना ज्यादा फायदेमंद है। NBCN न्यूज के लिए दिगरस से जुबैर खान की रिपोर्ट।